नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में। तो क्या रहेगा आज का हमारा एजेंडा, हम लोग एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि यहाँ पे हम लोग ड्रॉबैक्स या फिर प्रॉब्लम्स जो है हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ, उसको हाईलाइट करने वाले हैं और कुछ चीजें सजेस्ट करने वाले हैं, कुछ बदलाव आने चाहिए ये हम लोग बताने वाले। तो ये एक सजेस्टिव या फिर एक एडवाइजरी डिस्कशन होगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी जरूरी होगा। एक सिंपल सा सवाल बन सकता है, डू यू थिंक वी नीड टू रीबूट इंडियाज फॉरेन मिनिस्ट्री, राइट? क्रिटिकली एग्जामिन या फिर क्रिटिकली एनालाइज, इस तरह का एक सिंपल सा सवाल बन सकता है। तो इस डिस्कशन में हम लोग एक क्रिटिकल स्तर पर डिस्कशन तो करने ही वाले हैं, साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि ये जो बदलाव हम सजेस्ट कर रहे हैं ये क्यों आने चाहिए, उसके ऊपर भी हमारी एक चर्चा चलेगी। और अंत में हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर हम लोग बदलाव सजेस्ट कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब है कि हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं क्या, इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो एक कंप्लीट होलसम डिस्कशन चलेगा अबाउट द फॉरेन मिनिस्टर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आई के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @RahulSai222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, डू विजिट studyiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ, एक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन के साथ। हाल ही में आई एम क्वाइट श्योर कि आपने एक वीडियो जरूर देखा होगा जहां पे इंडिया ने राइट टू रिप्लाई एक्सरसाइज किया था। राइट टू रिप्लाई में इंडिया ने पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया था, जहां पे इंडिया की IFS ऑफिसर जो है स्नेहा दुबे ने एक बहुत ही करारा जवाब दिया पाकिस्तान को, राइट? आपने जरूर देखा होगा। इसके बाद वी स्पोक अबाउट द इंडियन फॉरेन सर्विस, वी वेरी प्राउड ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विस। लेकिन अगर हम लोग क्लोजली देखेंगे तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चलती है। देखिए क्रिटिसिज्म जरूर होती है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन फॉरेन सर्विस। बहुत सारे लोग, अगर आप आर्टिकल्स लिटरेचर देखोगे, अगर आप फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट से पूछोगे तो एक छोटी सी क्रिटिसिज्म जरूर होती है कि इज इट इंडियन फॉरेन सर्विस और इज इट इंडियन फ्रूगल सर्विस। अब फ्रूगल सर्विस क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस कम है, ऑफिसर्स कम है। इन सब चीज़ों के बावजूद बहुत से लोग ये कहते हैं कि डिस्पाइट ऑल द शॉर्टेज इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री हैज बीन डूइंग कमेंडेबल जॉब एंड वी सॉ दैट विद स्नेहा दुबे। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इंडिया में ये जो शब्द है जुगाड़, ये काफी चलता है, राइट? जुगाड़ मतलब आप एक टर्न अराउंड ढूंढ रहे हो, एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी मतलब कम से कम पैसों में, कम से कम रिसोर्सेस में, कम से कम टाइम में आप चीजों को पूरा कर दे रहे हो या फिर आप कुछ रेजोल्यूशन ढूंढ निकाल रहे हो। काफी अच्छी चीज है ये जुगाड़, इंडिया में बहुत चलता है जुगाड़, हर चीज पे जुगाड़ चलता है, राइट? लेकिन एक चीज का ध्यान देना चाहिए कि कुछ जगहों पे जुगाड़ इज रादर काउंटर प्रोडक्टिव, राइट? जुगाड़ इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग एंड टिपिकली फॉर दिस इंडियन फॉरेन सर्विस और आई वुड से फॉरेन पॉलिसी में जुगाड़ एक सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट? जुगाड़ विल नॉट गिव यू परमानेंट सॉल्यूशन, जुगाड़ विल नॉट गिव यू दैट सॉफ्ट पावर, जुगाड़ विल नॉट गिव यू द लेवरेज। तो एक अच्छा और परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत है, प्रॉपर रिसोर्सेज डालने की जरूरत होती है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन पॉलिसी। अब क्या प्रॉब्लम है अगर हम लोग इंडियन फ्रूगल सर्विस करें तो कहां फ्रूगैलिटी है, कहां रिसोर्सेज की कमी चल रही है, चलिए इस चीज के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली कमी, वेयर वी आर फ्रूगल, वी आर फ्रूगल इन टर्म्स ऑफ आवर ऑफिसर्स, यानी कि बहुत कम ऑफिसर्स है हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस में। अगर हम लोग देखें, ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है, अभी से नहीं, बहुत सालों से ये लिमिटेशन है। हम लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारे यहाँ पे फॉरेन ऑफिसर्स, एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑफिसर्स लाइक स्नेहा दुबे, बट कितने ऑफिसर्स है? वी हैव वेरी फ्यू ऑफिसर्स, अप्रोक्सीमेटली 850 के आसपास इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स है। और अगर आप नंबर्स देखें, ये आपको बगल में दिखेगा, वी आर वोफुली अंडर इक्विप्ड, यानी कि इंडिया के पास नंबर्स बहुत कम है। और हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हम लोग खुद को कंपेयर कर सकते हैं छोटी सी कंट्री जो न्यूजीलैंड है उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं, उतने हमारे पास डिप्लोमेट्स, जितने हमारे पास है उतने न्यूजीलैंड के पास है। वही अगर आप बड़े प्लेयर्स की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, हजारों की तादाद में आपको डिप्लोमेट्स मिलेंगे, अराउंड 14,000-15,000 आपको चाइना के पास बहुत ज्यादा मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के पास, जापान के पास, यूके के पास, हजारों में आपको यहाँ पे डिप्लोमेट्स मिलेंगे। इन कंपैरिजन टू इंडिया आप उनको, उनके पास मैं कहूंगा डबल ट्रिपल, इनफैक्ट 10 times भी आपको ऑफिसर्स मिलेंगे इन दीज कंट्रीज। सो वी आर वोफुली अंडर इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ The officers. So, सबसे पहली चीज है कि हमें IFS officers की नंबर बढ़ानी पड़ेगी। और क्या ये कोई नई प्रॉब्लम है? नहीं, this is not a new problem. अगर आप देखिए 2016 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने एनालिसिस की थी और उन्होंने बताया था कि 15% शॉर्टेज है इंडिया में ऑफ द फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स।
पाँच साल हो चुके हैं, आज हम लोग 2021 में हैं, आज भी 13% शॉर्टेज है। और आप मुझे आर्ग्यू कर सकते हो कि सर आप एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कंपेयर कर रहे हो, कैसे 2016 में कुछ नंबर था उसका 15% था, आज कुछ नंबर है उसका 13% बता रहे हो, वेरी फाइन, लेकिन अभी भी डबल डिजिट शॉर्टेज चल रही है इंडिया में। आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए, इसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि शॉर्टेज है और इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, एंड दिस इज अ वेल नोन प्रॉब्लम इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ ऑफिशियल्स, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ, वो है शॉर्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी में एंटिसिपेशन बहुत जरूरी है। एंटिसिपेशन मतलब आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उसको अगर हम लोग एंटिसिपेट करेंगे तो हम लोग खुद को इफेक्टिवली तैयार कर सकते हैं रैपिडली इवॉल्विंग सिचुएशंस के लिए। और आजकल फॉरेन पॉलिसी इतनी ज्यादा इवॉल्विंग है, इतनी ज्यादा बदल रही है। आज एक चीज हो रही है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस अफगानिस्तान में बात कीजिएगा, एक दिन पहले या फिर 3-4 दिन पहले खबर आती है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कि अफगानिस्तान में कंप्लीट कब्जे के लिए कम से कम 90 दिन लगेंगे, और कुछ ही दिनों में तालिबान कब्जा कर लेता है अफगानिस्तान पे। तो ये एकदम रैपिडली इवॉल्विंग सिचुएशन है, तो इससे हमें तैयार रहना चाहिए, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और अगर तैयार रहना है तो हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है। अब फॉरेन मिनिस्ट्री में देखिए डाइवर्स डोमेन्स में वो लोग काम करते हैं, राइट, फॉर इंस्टेंस रेफ्यूजीज के साथ काम, वहाँ पे जो हमारे इंडियंस है उनके साथ काम, हमारी फॉरेन पॉलिसी, वहाँ पे अगर आपको डील करना है, अगर तालिबान की समझ लीजिए गवर्नमेंट बन चुकी है वहाँ पे, तो अफगानिस्तान में हमारे डिप्लोमेट्स को तालिबान से बात करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, और वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने की जरूरत है, और इंडिया में इस इन्फॉर्मेशन की ही कमी है। देयर इज अ फ्रुगैलिटी इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, क्यों, बिकॉज वी डू नॉट हैव इन हाउस इंटेलिजेंस यूनिट, वी रिलाई ऑन डेटा ऑफ रॉ, राइट, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ हो गई, आईबी हो गई, इन सारी इंस्टीट्यूशंस की इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम लोग रिलाई करते हैं, इवन दी फॉरेन मिनिस्ट्री। तो एक सुझाव ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जिस तरह की एक बॉडी है ब्यूरो फॉर इंटेलिजेंस एंड रिसर्च, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है टू देयर ओन फॉरेन ऑफिशियल्स, देयर डिप्लोमैट्स, उसी तरह की इंडिया में भी एक बॉडी चाहिए, इन हाउस इंटेलिजेंस यूनिट, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे हमारे ऑफिशियल्स को। इसके अलावा एक तीसरी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये इंडिया में हमेशा की प्रॉब्लम है, वो है क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। क्विक डिसीजन मेकिंग जैसी होगी उसके बाद हमें मोबिलाइज करने की भी जरूरत है। अब मोबिलाइजिंग में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्टेज है, दिस इज अ विशियस प्रॉब्लम। इंडिया में वी नो अबाउट द डीलेस, हम लोग बात करते हैं रेड टेपिज्म काफ़ी है, डीलेस चलती है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना है, अल्टीमेटली आपको अप्रूवल लेनी है, यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पीएमओ को साथ में काम करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिफेंस मिनिस्ट्री को साथ में काम करना पड़ेगा। तो क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए हमें एमईए को एम्पावर करना पड़ेगा, एमईए के ऑफिशियल्स को एम्पावर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए फॉरेन पॉलिसी में या फिर फॉरेन इंटरेक्शंस में कभी कभार ऐसा होता है कि यू हैव टू बी क्विक एंड निम्बल, आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे ऑन द ग्राउंड। समझ लीजिए अब हमारा डिप्लोमेट है अफगानिस्तान में, तो वहां पे डिप्लोमेट इज सेइंग दैट वी कैन टॉक विद तालिबान ताकि ट्रेड रिलेशंस थोड़े से तो शुरू हो जाए, राइट, अगर वो सो इफ ही और शी इज थिंकिंग दैट देन दे नीड टू बी एम्पावर्ड एट सम लेवल एटलीस्ट टू बिगिन दैट थिंग, है ना, कुछ इस तरह। एक सिंपल सा हाइपोथेटिकल सा एग्जाम्पल है, इसको आप लिटरली मत लीजिएगा। तो एक बहुत जरूरी चीज हमारे मिनिस्ट्री में ये चाहिए कि एक क्विक और डेडिकेटेड रिएक्शन सपोर्ट टीम चाहिए, क्योंकि जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी या फिर फॉरेन रिलेशंस इवॉल्व हो रहे हैं, क्विक थिंकिंग की, क्विक डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। अब मैं उदाहरण के तौर पे आपको चीजें बता सकता हूँ, जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो लोग तो इंफॉर्मेशन को, डेटा को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए उनके फॉरेन ऑफिशियल्स को, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री को पॉलिसी प्लानिंग और रिसर्च में मदद करते हैं। इनफैक्ट फ्रांस में एक डेडिकेटेड टीम है, डेडिकेटेड क्राइसिस एंड सपोर्ट सेंटर फॉर द फॉरेन ऑफिशियल्स। तो कुछ इस तरह की चीज इंडिया में भी जरूरी है, जहां पे हम लोग क्विक डिसीजंस ले, क्विक रिएक्शन दे और क्विकली मोबिलाइज करें हमारी जो भी ऑन ग्राउंड फोर्सेस है या फिर ऑन ग्राउंड डिप्लोमैट्स है उन्हें। और इसके लिए फिर से डिप्लोमैट्स का नंबर बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वो ओवरबर्डन ना हो और ओवरवेल्म ना हो, उसकी भी जरूरत है। तो ये तीन बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है जो चल रही है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर आप तो प्रॉब्लम गिना रहे हो, लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है, व्हाई डू वी नीड टू चेंज, क्योंकि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी चल रही है, इंडिया की ब्रांड इमेज अच्छी हो रही है, लेकिन तब भी बदलाव की जरूरत है। आपको ये समझना चाहिए कि सब ठीक चल रहा है। अगर आपको लग रहा है सब ठीक चल रहा है, तो आप इंटरनेशनल एरिना में इंटरनेशनल लेंस से जब देखोगे तो आपको पता चल रहा है किस तरह जल्दी से जल्दी चीजें इवॉल्व हो रही है। देखिए हाल ही में ऑकस सिक्योरिटी अलायंस बनी, इसका किसी को पता नहीं था, सडनली अनाउंस कर दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और ऑस्ट्रेलिया द्वारा। एवरीबडी वॉज फ्लमक्स, फ्रांस भी परेशान हो गया,
हम भी काफी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ गए क्योंकि वहां पे फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस में दरार पड़ गई, फ्रांस और यूएस के रिलेशंस में दरार पड़ गई, और सभी हमारे मित्र ही। इसके अलावा जिस तरह से इंडो पैसिफिक का जो पैराडाइम इवॉल्व हो रहा है, स्पेशली 2017 से इंडो पैसिफिक एक बहुत बड़ा थिएटर बन चुका है। और अगर हम लोग बात करें आगे की फ्यूचर की, फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कहा जाता है कि जो 21वीं सदी है इट बिलोंग्स टू एशिया, इट बिलोंग्स टू इंडो पैसिफिक। जो पहले था यानी कि 1940s-1950s में था अटलांटिसिज्म, यानी कि फोकस वाज मोर ऑन अटलांटिक ओशन, ट्रांस अटलांटिसिज्म, लेकिन अभी फोकस आ चुका है इंडो पैसिफिक रीजन में। और यहां पे इंडो आप देखिए, इसका मतलब है कि इंडिया इज एट द सेंटर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इसी के चलते हमें बदलाव लाने की जरूरत है, फॉरेन ऑफिसर्स का नंबर बढ़ाने की जरूरत है, इंफॉर्मेशन जो कलेक्शन है, इंफॉर्मेशन एनालिसिस है, डेटा इज मनी दीज डेज, तो इन सब चीजों में बदलाव लाना बहुत बहुत अनिवार्य हो चुका है। इसके अलावा अफगानिस्तान में डेवलपमेंट जो हुई है, वी वर टेकन बाई सरप्राइज। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, यूएस ने तो कहा कि 90 दिन लग सकते हैं, 4 दिनों में तालिबान ने कब्जा कर लिया। इसके बाद वी वर अगेन ब्लाइंडसाइडेड। साथ ही साथ ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की वो है चाइना, स्पेशली चाइना और इंडिया की नेबरहुड, क्योंकि चाइना ने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है पाकिस्तान में, श्रीलंका में, म्यांमार में, नेपाल में, बहुत जगह पे चाइना इज गेटिंग इन्वॉल्व। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी को, तो हम लोग इसकी रिटेलिएशन में या फिर इसको अगर काउंटर करना है तो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को और भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, रिसोर्सेस लाने पड़ेंगे, जो इंडियन फ्रूगल सर्विस है वो नाम बदलना पड़ेगा, यानी कि इट शुड बिकम अ ट्रूली एम्पावर्ड इंडियन फॉरेन सर्विस। इसीलिए बदलाव काफी ज्यादा जरूरी है। अब आप फिर से सोच रहे होंगे, सर आपने तो गलतियां ही गिना दी, आपने ये भी बता दी कि क्यों बदलाव चाहिए। यस आई अंडरस्टैंड। तो क्या इसका मतलब है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है? देखिए सरकार भी बहुत कुछ कर रही है। अगर हम लोग बात करें पिछले साल फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने मेजर एमईए का रिवैम्प किया था। एमईए में स्पेशली अगर मैं बताऊं, सॉफ्ट पावर के पर्सपेक्टिव से बहुत सारी बदलाव आई थी। पिछले साल अगर आप फरवरी 2020 का खबर है, जनवरी फरवरी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इट अंडरटुक मेजर ओवरहॉल ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जहां पे एडिशनल सेक्रेटरीज अपॉइंट किए गए थे, रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी कल्चर ट्रेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स की, ज्योग्राफिकल डिविजन्स की, यानी कि वेस्ट एशियन डिविजन, साउथ ईस्ट एशियन डिविजन, बहुत सारी बदलाव जरूर आए, यानी कि बदलाव हो रहे हैं, बट वॉट वी आर टेलिंग कि बदलाव इट इज गोइंग ऑन एट अ स्लोअर पेस। और इनफैक्ट अगर आप इस डेट को देखें, इसके बाद COVID-19 पैंडेमिक हिट हुआ और आज तक वी आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। So what we are suggesting, what we are advising, that we need this change. हमें बदलाव की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जो बदलाव आ रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन इससे भी काफ़ी ज़्यादा और भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। We need to redouble our efforts. सबसे पहले shortage कम करनी है हमें इंडियन foreign officers की, यानी कि ज़्यादा numbers चाहिए और उन्हें ज़्यादा empower करना चाहिए, ज़्यादा information उन्हें मिलनी चाहिए, ताकि हमारी जो Ministry of External Affairs है it becomes truly empowered and takes our foreign policy forward in this changing world. That is it right now from my side. I hope this was an interesting discussion for you. Thank you for watching this video. Jai Hind.